लाहौर और इस्लामाबाद दोनों टीमें इसे शीर्ष स्थान के लिए लड़ रही हैं क्योंकि दोनों टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। लाहौर और इस्लामाबाद दोनों टीमों ने 8-8 मैच खेले हैं, प्रत्येक टीम ने 6-6 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के सलामी बल्लेबाज बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। पावरप्ले में उनका औसत स्कोर लगभग 50 रन है और दोनों ने आसानी से 180 रन बना लिए हैं। केवल टीमें पीछा करती हैं। आज का मैच बल्ले और गेंद से कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, सीबीटीएफ अर्नव यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पाकिस्तान सुपर लीग का 26th T20 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलांदाज के बीच दिनांक 9 मार्च 2023 एट 7:30 PM को पिंडी क्लब ग्राउंड रावलपिंडी पर खेला जाने वाला है। पहली पारी में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 6 ओवर के पावरप्ले में मैदान की पिच और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर 38-49 के बीच स्कोर कर सकती है। दूसरी ओर 20 ओवर की पहली पारी में लंबी पारी में स्कोर 149-185 के बीच हो सकता है। हमारी 100% मैच भविष्यवाणी के अनुसार इस मैच में टॉस प्रेडिक्शन टॉस इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीतेगी। इस मैच में टॉस इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी। टुडे मैच टॉस प्रेडिक्शन इज इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब आते हैं आज के क्रिकेट मैच की भविष्यवाणी की बात पर। आज का मैच कौन जीतेगा? कराची किंग्स के खिलाफ खेले मैच में इस्लामाबाद की टीम ने अपना 6th मैच आजम खान के 72 रन और एलेक्स हेल्स द्वारा 34 रन की मदद से 6 विकेट से जीता था। इस मैच में इस्लामाबाद टीम के लिए टॉम कुरान ने 2 विकेट और हसन अली ने 1 विकेट लिए थे। इस्लामाबाद टीम का पावरप्ले का स्कोर 6th रन रहा था। क्वेटा के खिलाफ खेले मैच में इस्लामाबाद की टीम ने अपना 7th मैच कॉलिन मनरो के 63 रन और आजम खान द्वारा 35 रन की मदद से 2 विकेट से जीता था। इस मैच में इस्लामाबाद टीम के लिए फजाल हक फारूकी ने 3 विकेट और फहीम ने 2 विकेट लिए थे। इस्लामाबाद टीम का पावरप्ले का स्कोर 7th रन रहा था। मुल्तान के खिलाफ खेले मैच में इस्लामाबाद की टीम ने अपना 8th मैच फहीम अशरफ के 51 रन और सदब खान द्वारा 44 रन की मदद से 2 विकेट से जीता था। इस मैच में इस्लामाबाद टीम के लिए शादाब खान ने 2 विकेट और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2 विकेट लिए थे। इस्लामाबाद टीम का पावरप्ले का स्कोर 8 रन रहा था। इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओर से खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार हो सकती है। रहमानुल्लाह गुरबाज, एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो, शादाब खान, कैप्टन मुबाज़िर खान, आजम खान, वीक आसिफ अली, फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, रमन रईस, फजाल हक फारूकी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पिछले रिकॉर्ड और आज के फॉर्म के हिसाब से इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस मैच को जीतने के 55% चांस हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की शंका है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको तुरंत जवाब देगी। क्वेटा के खिलाफ खेले मैच में लाहौर की टीम ने अपना 6th मैच एस राजा के 71 रन और शाहीन अफरीदी द्वारा 16 रन की मदद से 17 रन से जीता था। इस मैच में लाहौर टीम के लिए हैरिस रऊफ ने 3 विकेट और रशीद खान ने 2 विकेट लिए थे। लाहौर टीम का पावरप्ले का स्कोर 6th रन रहा था। मुल्तान के खिलाफ खेले मैच में लाहौर की टीम ने अपना 7th मैच शफीक के 48 रन और सैम बिलिंग्स द्वारा 54 रन की मदद से 21 रन से जीता था। इस मैच में लाहौर टीम के लिए रशीद खान ने 3 विकेट और जेमन खान ने 1 विकेट लिए थे। लाहौर टीम का पावरप्ले का स्कोर 7th रन रहा था। पेशावर के खिलाफ खेले मैच में लाहौर की टीम ने अपना 8th मैच 35 रन से हारा गई थी। इस मैच में हुसैन तलत के 63 रन और शाहीन अफरीदी द्वारा 52 रन बनाकर संघर्ष किया था। इस मैच में लाहौर टीम के लिए वहाब रियाज ने 3 और अरशद इकबाल ने 3 विकेट लिए थे। लाहौर टीम का पावरप्ले का स्कोर 8 रन रहा था। लाहौर कलांदाज की ओर से खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार हो सकती है। फखार जेमिन, शवेज इरफान, सैम बिलिंग्स, वीक अब्दुल्ला शफीक, हुसैन तलत, सिकंदर राजा, रशीद खान, डेविड वीजा, शाहीन अफरीदी, सी हैरिस रऊफ, जेमन खान। लाहौर कलांदाज द्वारा इस मैच में 45% जीतने की उम्मीद है।
Today match prediction reports is Lahore Qalandars win the match. Lahore यह मैच आप अधिक जानकारी के लिए मुझे मेरे WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।